यूं तो ईद के इस पाक और मुकद्दस त्यौहार में पूरे देश की सभी छोटी बड़ी ईदगाहों में ईद की नमाज अदा कर अमन चैन की दुआएं मांगी जाती हैं। लेकिन कानपुर एक ऐसा शहर है जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद साहब की बताई गई सुन्नत पर पाबंद रहते हुए ईदगाह में जाकर नमाज अदा करते हैं। कानपुर में मुस्लिम समाज अल्लाह रसूल की इस परंपरा को ता कयामत तक जिंदा रखने के लिए हौसला मंद है। वहीं कानपुर की बड़ी ईदगाह पर लाखों रोजेदारों ने ईद की नमाज के बाद सभी को ईद की मुबारकबाद दी। ईद के त्यौहार पर कानपुर जिलाधिकारी नेहा शर्मा व पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा ने सभी को ईद की बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। नहीं, आप सब देशवासियों को श्री अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से, समाजवादी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता और हमारी तरफ से पूरे देशवासियों को, नगरवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमारे कानपुर शहर में अमन और चैन बरकरार रहे और हम सब मिल के इस त्यौहार को, चाहे दिवाली हो चाहे ईद हो, हम सब भाईचारे के साथ मनाएं। यही मिल मैं आज ईद की नमाज के, आज यहाँ पर ईदगाह पर हम सभी लोग मौजूद हैं और सभी लोगों को, सभी बहनों और भाइयों को ईद की मुबारकबाद देना चाहूँगा। मैं सभी जो इंतजामिया कमेटी के लोग हैं, उन लोगों ने बड़ी मेहनत की और बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये नमाज संपन्न हुई है। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा और पूरे कमिश्नरेट में सभी जगह पर ईद की नमाज बड़े ही सकुशल संपन्न हुई है। सभी ने एक भाईचारा और सौहार्द का जो हम लोगों ने अपील की थी, अनुरोध किया था, उसका सभी ने एक मिसाल दी है। मैं सभी को इस अवसर पर उन्हें ईद मुबारकबाद देना चाहूँगा।